यूपी के अमेठी जनपद में उत्तर प्रदेश श्रम एवं सेवायोजन विभाग की तरफ से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। घर बैठे युवा रोजगार की मुहिम से जुड़ रहे हैं और इससे उन्हें फायदा हो रहा है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ साथ लोगों को घर बैठे कई प्रकार की सेवाएं भी घर बैठे मिल जा रही है और उन्हें भटकना नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग की तरफ से सेवा मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। सेवा मित्र ऐप वैसे तो काफी पहले लॉन्च किया गया, लेकिन इससे हुनरमंदों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 5 लोगों ने सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण किया है, जबकि 156 लोगों का सेवा मित्र के रूप में पंजीकरण हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक इन पूरे कार्यक्रम में अलग अलग युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में रोजगार मुहैया हुआ है। आपको बता दें कि जिला सेवा योजन विभाग की तरफ से यह आवेदन प्रक्रिया जारी है और आवेदन की प्रक्रिया के लिए लोगों को लगातार रोजगार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में हुनरमंदों को रोजगार देने की पहल में सबसे ज़्यादा सेवा मित्र ऐप पर पंजीकरण हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, बढ़ई, प्लम्बर, नर्सिंग, डॉक्टर, ऑन कॉलर, आरओ मरम्मत के साथ आईडी हार्डवेयर सहित 100 से अधिक सेवाएं ऐसी हैं जिनमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर में युवाओं को रोजगार देने की पहल की जा रही है। युवा लगातार इसमें आवेदन कर सके, इसके लिए विभाग की तरफ से लगातार सेवा प्रदाताओं के आवेदन मांगे जा रहे हैं। सेवा मित्र ऐप हमारे विभाग द्वारा एक बहुत ही आकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से घर बैठे रोज लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें एक नंबर है हमारा टोल फ्री नंबर 1-55-330। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने घर के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, यहाँ तक कि टूर्स एंड ट्रेवल्स की सुविधाएं भी उपलब्ध की जा रही हैं। अमेठी जनपद में अब तक हमारे पास 4 सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं, जिनके माध्यम से 100 से ज़्यादा सेवाएं अभी तक अमेठी जनपद के लोग ले चुके हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी सरकारी जितने विभाग हैं उन सभी को निर्देशित किया जा चुका है कि वे अपनी सभी सेवाएं सेवा मित्र पोर्टल से ही लें। यहाँ पर सेवा प्रदाता के जितने भी हैं वो टूर्स, ट्रेवल्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर और कारपेंटर्स, इन सबकी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें 268 कुशल श्रमिक के रूप में हमारे युवा अमेठी के पंजीकृत हैं और 33 से ज़्यादा कंपनी हमने पंजीकृत कराई हैं, जिनको सेवा प्रदाता के रूप में हम लोग आगे प्रोसेस करने का कार्य कर रहे हैं। खास करके इसके आवेदन की क्या प्रक्रिया है पूरी और कैसे इसके लिए आवेदन किया जाए? देखिए, सेवा प्रदाता के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो इसके लिए आपके पास GST नंबर एक, ताकि GST ना हो तो आपका जो भी दुकान या कंपनी है उसका एक पंजीकरण होना चाहिए, इसे कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ताकि आप जब घर में जाकर लोगों को सेवाएं देंगे तो हमें ऑथेंटिक लोग चाहिए होंगे सेवा प्रदाता के रूप में, तो वो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर आप टैक्स की श्रेणी में आते हैं तो आप ITR, अगर नहीं श्रेणी में आते हैं तो आपको उसके लिए छूट भी प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है, जो कि हमारे ऑफिस में आके पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद अपनी जो भी सेवाएं वो देंगे उसके लिए क्या चार्ज करेंगे उसकी फुल डिटेल वो हमें देते हैं, हम उसे अपलोड कर देते हैं, उसके बाद हमारे निदेशालय उसे वेरीफाई कर देता है और वो सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हो जाता है। इससे फायदा हो रहा है युवाओं को? बिल्कुल, इससे युवाओं को और सेवा प्रदाताओं को बहुत फायदा हो रहा है। अभी हमारे अमेठी जैसे छोटे से जनपद में ही 100 से ज़्यादा सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो हम अपने ऑफिस के लिए स्वयं जितने भी बाहर विजिट पे जाना होता है, गाड़ियों की बुकिंग है, हमारे कारपेंटर्स हैं और प्लम्बर्स हैं, ये इन सभी की बुकिंग हम स्वयं सेवा मित्र पोर्टल से करते हैं।